आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म की खूब तारीफ हो रही है। फिल्म में आलिया भट्ट, अजय देवगन अहम किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। वहीं इस फिल्म से शांतनु माहेश्वरी ने बॉलीवुड में कदम रख लिया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से बॉलीवुड में डेब्यू कर शांतनु काफी खुश हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शांतनु ने बताया कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उन्हें संजय लीला भंसाली की फिल्म से डेब्यू करने का मौका मिलेगा। एक तो बहुत खुशी वाली फीलिंग है कि संजय सर के साथ काम करने का मौका मिला है, बिकॉज ही इज इंडिया के बेस्ट डायरेक्टर। सो बाय डिफॉल्ट अगर आपको उनके साथ डेब्यू करने का मौका मिलता है अपनी फिल्म करियर की शुरुआत का, सो बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं अपने आप के लिए भी मानता हूँ ये। मैंने कुछ जुगाड़ उगाड़ नहीं लगाया, इट वाज वेरी मतलब ऑडिशन प्रोसेस के थ्रू ही मुझे कॉल आया, श्रुति मैम के ऑफिस से कॉल आया था कि ऐसा ऐसा है एंड यू नो कि आपको हमें कैसा रोल, मूवी कर रहे हैं गंगूबाई। उस समय एक्चुअली इंटरनेट में भी अवेलेबल नहीं था ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दैट सर गंगूबाई कर रहे हैं, एंड ऐसे आलिया भट्ट इज़ देयर इन इट एंड यू नो उसकी शूट शुरू होगी, आप इसके ऑपोजिट हो एंड ये वो जो भी ब्रीफ मुझे दिया गया। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मुझे कॉल आया और एंड दे सेड दे वर वेरी क्लियर कि उनको एक फ्रेश फेस चाहिए, सो सर वॉन्ट्स टू लॉन्च समवन एंड ये सारी चीज़ ब्रीफ दी गई थी। तो उसमें कॉल आना ये बहुत बड़ी बात थी मेरे को लगा। फिर मुझे लगा कि शायद कुछ होगा डांस रिलेटेड कुछ होगा शायद, तभी इन्होंने अप्रोच किया, नहीं तो कोई कुछ क्यों ही करेगा अप्रोच। बट देन व्हेन ज़्यादा और ज़्यादा ब्रीफ मिली जब समझ में आया क्या है, आई वाज सो हैप्पी कि इट हैड गॉट नथिंग टू डू विद डांस, मतलब कुछ भी डांस बेस्ड नहीं था, प्योरली एक्टिंग बेस्ड, एक्टिंग परफॉर्मेंस के ऊपर था सिलेक्शन। सो आई फेल्ट वेरी गुड, आई मीन कि वाओ किसी ने बिलीव किया इन टर्म्स ऑफ सिर्फ एक्टिंग एबिलिटी पे भी एंड या सो बहुत बहुत खुश हूँ मैं उस बात को लेकर। नहीं नहीं मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को मूवी में चांस भी मिलेगा, बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट है मूवी में आना। यू हैव ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आपको भी पता चलता है बहुत डिफ़िकल्ट है टू गेट द राइट अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर आप सी करने के लिए, करना नहीं था मुझे मूवी, आई मीन आई वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ, अगर करो तो अच्छा करो जहाँ पर आप मतलब आप अपना काम दिखा भी सको और आपको मज़ा भी आए वो प्रोजेक्ट का बनने में। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था एंड मैंने कभी इमेजिन नहीं किया मेरा डेब्यू ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अच्छा मिल जाए प्रोजेक्ट, कोई अपॉर्चुनिटी दे, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। एंड संजय सर के साथ तो बिल्कुल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब पहली मूवी उनके साथ करने को मिलेगी। मतलब मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था उनका आफ्टर द लास्ट थ्री मूवीज़ दैट आई हैव सीन, रामलीला, बाजीराव एंड पद्मावत। उनको मतलब ऐसा था कि काश कभी एक बार मौका मिलेगा, बट यू नो वो काश वाला चीज़ है कि यू नो इट नेवर हैपन काइंड ऑफ अ थिंग, बट अगर मिलेगा मौका जस्ट टू सी हिम हाउ ही वर्क्स एंड हाउ ही प्रिपेयर्स हिज एक्टर्स एंड मेक देम परफॉर्म, एंड मिल गया ये ऐसा उनके साथ काम करने का। सो आई मीन या इट्स और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए तुमको, जब आपने कुछ इमेजिन ही नहीं किया और अगर आपके साथ बेस्ट खड़ा हो आपके पीछे आपको लॉन्च कर रहा है, सो और क्या चाहिए आपको, व्हाट एल्स कैन यू आस्क, नथिंग। शांतनु ने अपनी पहली फिल्म के बारे में खुलकर बात की और बताया कि फिल्म देखने के बाद उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था। ऑब्वियसली एक अलग एक्साइटमेंट है क्योंकि मैंने भी अपने पेरेंट्स को बताया नहीं था काफ़ी टाइम तक कि मैं इस मूवी का हिस्सा हूँ, एंड देन जब बताया तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली किस तरीके से हिस्सा हूँ, क्या कैरेक्टर है, कितना है, क्या नहीं है, सॉन्ग है नहीं है। तो उन लोग ने भी जब देखा मूवी तो वो भी बहुत खुश थे ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट, अरे बाय गॉड इतना अच्छा लग रहा है बच्चे को स्क्रीन में देखकर, अपने बच्चे का नाम देखकर स्पेशली, आई डोंट नो देखने से ज़्यादा ना वो जब नाम आता है ना इट हैज़ दैट वेरी डिफरेंट फीलिंग, जब वो एक बड़े पर्दे पे नाम लिखा हुआ आता है बहुत बहुत अलग फीलिंग है। सो दे आर वेरी हैप्पी एंड यस मेरे ननिहाल में सब मतलब ननिहाल में लोग एक्साइटेड है, वो वहाँ पे लोगों को बोल रहे हैं कि देखो। कल ही मुझे एक पिक्चर आया मेरे बिल्डिंग जो कैलकटा में जहाँ पे रहता हूँ मैं, वहाँ पे एक पोस्टर लगवा दिया गया है ऑफ लाइक अपने मोहल्ले का बच्चा है एंड ही हैज़ मेड इट सो बिग, सो गंगूबाई का एक पोस्टर लगवाया उन लोगों ने वहाँ पर, सो स्वीट ऑफ देम टू डू समथिंग लाइक दैट, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो एक अलग काइंड ऑफ एक्साइटमेंट है विच इवन आई डिडंट एक्सपेक्ट
कि ऐसा कुछ होगा या हो सकता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोग खुश है, मेरे परिवार वाले खुश हैं। ये फिल्म उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इससे पहले एक्टर अब तक कई टीवी शो में काम कर चुके हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को रिलीज हो चुकी है। दर्शकों ने आलिया के साथ साथ शांतनु के काम की भी काफी तारीफ की है। INS रिपोर्ट।